और उसको इन्वायरमेंट लेना पड़े, प्रोसेस करना पड़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिजायर्ड, हम लोग आज के सिस्टम में कहते हैं कि वो ट्रेंड टीचर, रियली आवर टीचर्स आर ट्रेंड थ्रू दीज टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, आर दे कैपेबल इनफ टू कंट्रोल द क्लास, दे आर नोन टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्किल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, implication, evaluation. If not, we can say we are not having a good product. So all these three aspects of educational technology is very important. Input is there. और अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि teacher is input. अब teacher education colleges में पढ़ाने वाले teacher ही कमजोर हैं, teacher educator ही कमजोर हैं. तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि learners अच्छे होंगे या फिर उसके आउटकम, उसके प्रोडक्ट अच्छे होंगे? सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स हैव बीन टेकन टेकन फ्रॉम द फैक्ट्री एंड मशीन, मशीन और इंजीनियरिंग एस्पेक्ट की तरफ से सारी जानकारी. बल्ब का बनाना, बल्ब का बनाना, पंखे का बनाना, ये इस तरह के पंखे यदि आप दुकान में खरीदने जाएंगे और एक साथ आपको 20 पंखा दिखा देगा तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहले किसको देंगे और दूसरे किसको देंगे? नहीं बता सकते. उनका प्रोडक्ट वैसा है, एक जैसा, लेकिन हमारा प्रोडक्ट एक जैसा नहीं हो सकता. फिर भी हम क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन का इस्तेमाल करके ये कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्टिमम मेथड की जानकारी रखते हैं, आदि आदि. यदि हम इस तरह से क्राइटेरियन इवैल्यूएशन का इस्तेमाल करें और सिर्फ बीएड की डिग्री उन्हीं लोगों को दे जिनको ये 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 एन फैक्टर्स रखें या एन प्लस वन फैक्टर रखें, यदि आ गया हो तभी उनको बीएड की डिग्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं. तब हमारा प्रोडक्ट ऐसा होगा कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा आउटपुट ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं वी आर रियली ट्रेंड, अदरवाइज वी आर प्लेइंग इन द नेम ऑफ ट्रेनिंग. लर्निंग और सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और जब हम सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाने की बात करते हैं तो फ्रेम की बात करते हैं, और फ्रेम में होता क्या है? लर्निंग मटेरियल, फीडबैक प्राप्त करने के लिए इवैल्यूएशन के कुछ क्वेश्चन और उसका भी लेते जाना. ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चा अपने से पढ़ता है, अपना स्वयं मूल्यांकन करता है, यदि तथ्य को समझ गया है तो आगे दूसरे फ्रेम में जाता है, नहीं तो फ्रेम को दोहराता है तब तक जब तक स्टडी बैकग्राउंड क्या है, फादर का क्वालिफिकेशन क्या है, किस जगह रहता है, कितने प्रॉब्लम है, और इसके आधार पे डिस्कस पे पहुंचता है. सो दिस इज फर्स्ट टाइप, दैट इज विजुअल. एंड अगेन विजुअल पिक्टोरियल, नॉन प्रोजेक्टेड टू डायमेंशन. नॉन प्रोजेक्टेड मतलब समझते हैं ना, जिसको गर्दन के ऊपर प्रोजेक्ट करके, प्रोजेक्ट का मतलब है जो छोटी चीजें उसको बड़ा करके दिखा, और ओवरऑल प्रोजेक्टर का मतलब है जिसको गर्दन से ऊपर वगैरह में या फिर आज दिखाते हैं. ये भी क्या है, जैसे ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्शन. तो ये है विजुअल पिक्टोरियल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग एंड ड्राइंग्स, चार्ट्स, पोस्टर्स, मैप्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, कार्टून, कॉमिक स्ट्रिप. हम लोग, हमको लगता है कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है. कॉमिक स्ट्रिप, फिर वही आप कीजिए चाचा चौधरी, उस तरह की चीजों से भी हो. एंड थर्ड स्लाइड इज रिलेटेड टू ऑडियो, ह्यूमन वॉइस, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, ऑडियो टेप्स, डिस्क. आजकल ओपन यूनिवर्सिटी अपना
लेक्चर का स्टीरियो वगैरह भी प्रोवाइड करता है, स्टीरियो रिकॉर्ड्स अब नहीं है इस्तेमाल में, लेकिन एक जमाना था जब वो बहुत इम्पोर्टेंट था। देखा है किसी ने? तुम लोग तो देखे भी नहीं, बड़ा सा रहता था उसका रेडियो ब्रॉडकास्ट। अभी तो आगे हम लोग देखेंगे ज्ञान वाणी टेलीकास्ट और रेडियो से बहुत सारे प्रोग्राम टेलीकास्ट किए जाते हैं, तो रेडियो इज ऑल्सो ए वाइटल सोर्स। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, हम लोग टेलीफोन मेडिएटेड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जैसे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी या इस तरह की ओपन यूनिवर्सिटी एक समय निर्धारित करता है और उसमें फोन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो और उधर फोन के माध्यम से जवाब रिसीव कर सकते हो। एंड थर्ड फोर्थ विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड थ्री डायमेंशन, डायमेंशन समझते हैं ना, जैसे ये जो चीजें हैं ये कोण पूरा नहीं दिख रहा, लेकिन यदि हम एक आजकल पार्टी में जो टोपी होती है या भुजा जो तुम खाते हो उसका जो ठोंगा होता है उसको लेके आओगे तो कैसा है, वही कोण की आकृति है, लेकिन बोर्ड पे हम नहीं दिखा सकते। बोर्ड पे हम पढ़ते भी हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वहां देखो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशन। तीन तीन मिल रहा तो तीन डायमेंशन तीन दिशा दिखाने वाली चीजें विजुअल इसको देख सकते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड जो प्रोजेक्टेड नहीं है, और फिर थ्री डायमेंशनल तीन डायमेंशन मोड मॉकअप, मॉकअप डायग्राम लीप मैप होलोग्राम्स को हम बाद में अलग से डिस्कस करते हैं। तुम लोग इस कंसेप्ट को अपने नोट कर लो या फिर दिमाग में रखो, मॉड्यूल यू नो मॉकअप डायग्राम डिस्कस करेंगे, ग्लोब जानते हो तुम ज्योग्राफी में इस्तेमाल होता है, रिलीफ मैप इसको भी ज्योग्राफी में इस्तेमाल होते बाद में बात करेंगे, स्पेसी में बायोलॉजी पुराने जमाने में बहुत रहता है, हम लोग बायोलॉजी के लैब में जाके डर जाते थे, कोबरा एंड लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड यू अंडरस्टैंड पपेट पुतली पुतली वगैरह का डांस ड्रामा वगैरह भी होता है उसी से रिलेटेड होलोग्राम्स, और ये तीन चार जो कंसेप्ट है वो पिछले डेल स्कूल ऑफ एक्सपीरियंस में भी इसमें से एक आया था पीडीआई स्कूल। तो ये चार पांच कंसेप्ट को हम सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। सो विजुअल नाउ विजुअल प्रोजेक्टेड स्टिल प्रोजेक्टेड विथ मोशन, यहाँ क्या है प्रोजेक्टेड है लेकिन स्टिल है, स्टिल मतलब गतिशील नहीं, स्लाइड फिल्म स्टिक ट्रांसपेरेंसी। अभी हम ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात कर रहे हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर में पन्नी की तरह का कागज होता है उसी पर लिख के उसको दबाया जाता है, जिस तरह का आजकल फोटो कॉपियर है कागज जहाँ रखते हैं उसी तरह के अरेंजमेंट वहाँ है, और उसकी मदद से उसको छोटी राइटिंग को बड़ा करके प्रोजेक्ट करके लिखा जाता है। एक जमाने में अभी जितना ये स्लाइड शो और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन में ओवरहेड प्रोजेक्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है क्योंकि उसी की मदद से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ाया जाता है। और फिर माइक्रोफिल्म यू नो माइक्रो कार्ड यू नो कंप्यूटर यू ऑल नो एंड द फिफ्थ सिक्स्थ टाइप ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड विथ मोशन, ऑडियो भी है विजुअल भी है प्रोजेक्टेड भी है और उसमें गति भी है, मोशन पिक्चर फिल्म्स, टेलीविजन, क्लोज सर्किट की भी अभी हमने चर्चा की। यहाँ चार बिंदु को एक ग्लास से कनेक्ट करके चार कमरे में टीवी लगा दिया और टीचर यहाँ एक जगह पढ़ा रहा है और उसका टेलीकास्ट कहाँ हो रहा है, लेकिन इसका चूंकि रेंज होता है इसलिए इसका नाम ही है क्लोज सर्किट, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत दूर तक इससे, यहाँ नहीं कि यहाँ एक कनेक्ट कर दें और दीघा के किसी स्कूल को कनेक्ट कर दें, ऐसी सुविधा इसमें नहीं है, छोटा एरिया। वीडियो कैसेट्स, अभी हमने कहा था कि ऑडियो कैसेट्स तो है ही, वीडियो कैसेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं तो आप देख के करिए, और आजकल बहुत सारी चीज़ों का वीडियो, एक बार जो ये क्या बोलते हैं वो अभी कार्ड बदलने का जो बैंक का था एटीएम कार्ड,
उसमें चेंज करने होने का था, मुझको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करके उसको देखा, तो बताया कि ऐसे इंसर्ट कीजिए, ऐसे कीजिए, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल, इवन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो कैसेट्स व्हिच इज आल्सो नोन एज दिस एंड दिस सेव. इट्स मल्टी मीडिया पैकेजेस फॉर मोर देन वन सेंस, मतलब एक सेंस का इस्तेमाल नहीं, एक से ज्यादा सेंस का इस्तेमाल. स्लाइड, टेप, वर्कबुक, रेडियो स्लाइड, पोस्टर, फिल्म पोस्टर, देख रहे हैं ना सब. प्लस प्लस का मतलब है कि मोर देन वन सेंस इज बीइंग यूज्ड, मतलब एक साथ मल्टीमीडिया कंसेप्ट इसको कर, मल्टीमीडिया इंस्टीड ऑफ वन मीडिया, नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, नॉट प्रिंट मीडिया है, बट टुगेदर. एंड सो यू अंडरस्टैंड बेटर नो मे टू एक्सप्लेन मोर. एंड द लास्ट वन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, केबल टेलीविजन. और यहाँ ऊपर क्या लिखा है, न्यू इमर्जिंग, दीज आर दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और ये सब जगह इस्तेमाल भी अभी तक नहीं होता, क्योंकि आज हम अपने सिस्टम में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सुविधा ही नहीं. हमें एक जगह से ऑफर हुआ है लेक्चर देने का, हमने कहा कि आ नहीं पाएंगे, कहा कि क्या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था हो सकती है, हमारे इंड पे है. हमको जान के बड़ा हमको बहुत दुख हुआ कि हमारे इंड से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था. तो यदि हम यहाँ से चाहे कि पटना ट्रेनिंग कॉलेज में हो के दिल्ली के किसी यूनिवर्सिटी के को कनेक्ट करके दिल्ली के किसी कॉलेज से कनेक्ट होकर कोई लेक्चर दे, तो संभव नहीं, लेकिन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से सुविधा है. पहले टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो, वन वे ऑडियो और वन वे वीडियो यू ने स्टार्ट किया था 494 वगैरह के आसपास, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है. वहाँ से वो कुछ बताते थे और वो कोर्स एक था PGDHE, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, उसका जो एक प्रोग्राम था एक्सटेंडेड कंटेक्ट प्रोग्राम, उसमें ये करना होता था. तो रीजनल सेंटर से कनेक्ट होते थे, जितने भी रीजनल सेंटर से लिया के नीचे वो सारे कनेक्ट होते थे दिल्ली से, और इधर से टेलीफोन के माध्यम से क्रॉस और उधर से वीडियो के माध्यम से आ सकते. लेकिन उसके बाद हुआ टू वे वीडियो, और अब तो कंप्यूटर से भी उसको कनेक्ट कर दिया है. जैसे आप देखते हैं कि अभी मैच देख रहे हैं तो क्या होता है, यदि कोई रिकॉर्ड दिखाना चाहता है तो तुरंत कंप्यूटर से निकाल के वो भी दिखा देता है. ये सबसे स्लो पारी कौन खेला है. सो दिस इज द लेटेस्ट टाइप ऑफ टेलीकॉन, मतलब आदमी कंप्यूटर से भी कनेक्ट करके हुए रहता है. एंड इफ सम डाटा इज नीडेड इट विल बी यूज्ड इन द ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द डिलीब्रेशन. केबल टेलीविजन, सैटेलाइट, सबसे अभी देख रहे हैं लाइव टेलीकॉन, ये सर दिस इज ऑल ड्यू टू दिस सैटेलाइट टेलीविजन. मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसर, यू ऑल आर मॉडर्न स्टूडेंट्स, सो यू ऑल नो अबाउट. वी एट दिस स्टेज व्हेन वी वेयर द स्टूडेंट ऑफ बीएड एंड लाइक दैट, वी वेयर नॉट नोइंग दिस थिंग्स. यू नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इट्स इफेक्टिवनेस. इफ वी मूव फ्रॉम ए टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी शोन इन ए स्लाइड्स फ्रॉम 1 to 8, the effect is in increasing of, मतलब पहले स्लाइड में जो हम लोगों ने मेंशन किया था उसकी तुलना में दूसरे स्लाइड के जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, तीसरे स्लाइड वाले उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, चौथे स्लाइड वाले उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, एंड सो ऑन आठवें स्लाइड वाले सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये टेक्नोलॉजी. सो वी हैव क्रॉस्ड the types of technology and types of educational technology.